श्रोता बंधु आमे पाठ करुचे श्रीमद् भगवत गीतार पंचम अध्याय पूर्व श्लोक वर्णित साधना द्वारा सिद्ध होइथिबा महापुरुषंकर ज्ञान व्यावहारिक क्षेत्र में किपरि रहे एक कथा निम्नोक्त श्लोक कहुछन्ते। श्लोक नंबर 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। एहर आक्षरिक अर्थ हैला ज्ञानी महापुरुष विद्या और विनयुक्त ब्राह्मण ठारे एवं चंडाल ठारे तथा गाई हाथी और कुकुर ठारे मध्य सम स्वरूप परमात्मा को देखन्ति। व्याख्या विद्या विनय संपन्ने पंडितः समदर्शिनः। एठारे ब्राह्मणों पाई दुईटी विशेषण दिया जाएछि विद्याजुक्त और विनयजुक्त अर्थात एपरी ब्राह्मण जिए विद्वान और विनम्र मध्य ब्राह्मण होइथिबारु से जातिरे श्रेष्ठ तत्सहित विद्या और विनय संपन्न मध्य एहा हेउछि ब्राह्मणत्वर पूर्णता। जेउठी पूर्णता अछि सेठारे अभिमान हुए नाही जेउठी पूर्णता न थाए अभिमान सेठी ही हुए। ब्राह्मण और चंडाल सहित तथा गाई हाथी और कुकुर सहित व्यावहारिक विषमता हेबा अनिवार्य। एमानंक संगे समव्यवहार करिबा पई शास्त्र कहंती नाही करिबा उचित नुहे कि करिबि पारिबा नाही। जथा विद्या और विनयुक्त ब्राह्मण को पूजा करा जाई पारे चंडाल को नुहे गाई क्षीर पिया जाए कुकुरर नुहे हाथी उपरे आरोहण करा जाए कुकुर उपरे नुहे। एही पांचोटी प्राणीक उदाहरण दे भगवान कहुछंती एमानंक संगे व्यावहारिक समता संभव नहेले मध्य तत्वतः सबरीठारे एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण। महापुरुषंक दृष्टि सर्वदा से ही परमात्म तत्व उपरे रही थाए तेणु सेमानंक दृष्टि कदापि विषम हुए नाही। एठारे एक शंका होइपारे जे दृष्टिरे विषमता न रहिले व्यवहारे भिन्नता आसिब किपरि। एहार समाधान हेला निज शरीरस्थ समस्त अंगरे आमर दृष्टि अर्थात आत्मीय भाव और हित भावना समान थाए तथापि आमे से सबुर व्यवहार रे भिन्नता रखी थाउ। जथा काहाठारे गोड़ बाजिगले क्षमा मागुछे किंतु हाथ बाजिगले क्षमा मागुनाहे। मुंड और हाथ साहाज्यरे प्रणाम करुछे गोड़े नुहे मळद्वार रे हाथ बाजिगले हाथ धोउछे। केवल एतिके नुहे एक हाथर आंगुली गुड़िकर मध्य व्यावहारिक प्रभेद रही काहाकु तर्जनी और वृद्ध आंगुली देखेबार प्रभेद प्राय समस्ते जानते। एही भली शरीर भिन्न भिन्न अंगर व्यवहार रे प्रभेद थाए किंतु आत्मीयतारे प्रभेद न थाए। व्यावहारिक भिन्नता थिले भी पीड़ा दूर करिबारे आमे सम व्यवहार करुछे। शरीरस्थ समस्त अंगर सुख दुखरे आमर भाव समान रहुछि। एही रूपे प्राणीमानंक ठारे खाद्यपेय गुण आचरण जाति प्रभृतिर प्रभेद थिबारु सेमानंक सहित ज्ञानी महापुरुषंक व्यवहार रे भिन्नता रहे एवं रहिबा उचित मध्य किंतु सेही प्राणीक ठारे एक परमात्म तत्व परिपूर्ण थिबारु महापुरुषंक दृष्टि रे भिन्नता रहे नाही। महापुरुषंकर सेही प्राणीमानंक प्रति आत्मीयता प्रेम हित दया प्रभृति रे केबे प्रभेद आसे नाही। तांको अंतःकरण रे राग द्वेष ममता आसक्ति अभिमान पक्षपातिता विषमता प्रभृति आदो न थाए। निज शरीर कौनसी अंगर दुख दूर करिबा पई स्वाभाविक भावे चेष्टा हेला परी अन्य प्राणी मानंकर दुख तांकु जणा पड़िले ताहा दूर करिबा पई ओ सुख देबा पई तांको द्वारा स्वाभाविक भावे चेष्टा हुए। तेणु भगवान महापुरुषंकु समवर्ती न कहि समदर्शी कहिछन्ति। समता सम्बन्धीय किछि विशेष कथन आजिकालि समता उपरे बहुत चर्चा चलिछि। समस्तंक संगे सम व्यवहार करिबा पई प्रचार हेउछि किंतु प्रकृतरे समता काहाकु कहन्ति ओ ताहा केबे आसे एहा बुझिबा नितांत आवश्यक। समता कौनसी खेल तमसा नुहे ताहा परमात्मांकर साक्षात स्वरूप। जहार मन समतारे स्थित हो जाए से जीवित अवस्था रे ही संसार उपरे विजय प्राप्त करे एवं परम ब्रह्म परमात्मांकु अनुभव करे।
ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ସୁଖ ନିଜର ଦୁଃଖ ସୁଖ ପରି ମନେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏହି ସମତା ଆସେ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ନିଜ ଶରୀର ପରି ମୋତେ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ଦେଖେ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ଦେଖେ ସେହି ଯୋଗୀ ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେପରି ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ ପୀଡ଼ା ହେଲେ ତାହା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସେହିପରି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଦି ହେଲେ ତାହା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହୁଏ ତେବେ ସମତା ଆସେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ସୁଖର ଲାଳସା ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେତେ ଉଦ୍ୟୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମତା ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ସୁଖ ମିଳୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆରାମ ମିଳୁ, ସେମାନଙ୍କର କିପରି ମଙ୍ଗଳ ଓ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ଏପରି ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃ ସମତା ଆସିବ। ନିଜ ଘରୁ ହିଁ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ହୃଦୟରେ ଏପରି ଭାବ ଜାତ ହେବା ଉଚିତ ଯେ କାହାରିକୁ କିଞ୍ଚିନ୍ ମାତ୍ର ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନ ମିଳୁ, କେବେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ନ ହେଉ। ମୁଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଏ ପଛେ ମୋ ପିତାମାତା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଭାଇ ଭାଉଜ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳୁ, ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଲେ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଯେଉଁଠି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେଠି ସୁଖ ଦେଲେ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଯିବ। ମାତ୍ର ମମତାପୂର୍ବକ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଆମର ମମତା ନାହିଁ ସେଠି ସୁଖ ଦିଆଯାଉ, ଅଥବା ଯେଉଁଠି ଆମେ ମମତାପୂର୍ବକ ସୁଖ ଦେଉଛେ ସେଠାରୁ ମମତା ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଉ, ଉଭୟର ପରିଣାମ ସମାନ ହେବ।